भी अगर हम किसी इंसान की हक तलफी करते हैं और उससे माफ़ी भी मांगे और वो हमें माफ़ भी ना करे, तो क्या हमारा रब हमें माफ़ कर देगा? नहीं, हुकूकुल्लाह की माफी तो है, लेकिन हुकूकुल इबाद की माफी नहीं होती। किसी इंसान ने किसी इंसान की हक तलफी नहीं करनी, ना किसी का दिल दुखाना है। बाजी, अगर शोहर के काम में कोई कोताही हो जाए या जबान दराजी हो जाए तो? तुम्हारी तो मोहब्बत की शादी है ना? जी बाजी। छोटी मोटी बहस और जिद मोहब्बत की निशानी होती है, पर मैंने बड़ी मोहब्बतों से जुड़े हुए निकाह जुबान दराजी की कैंची से कटते हुए देखे। जिद करो, हक मांगो, खुशियां मांगो, लेकिन शौहर से जुबान दराजी ना करो। अल्लाह तुम्हारे घर की और रिश्ते की खुद हिफाजत करेगा। मैं आपकी इस बात पर जरूर अमल करूंगी। अल्लाह तुम सबके घरों को खुशियों से भर दे, आसानियां अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया बाजी, शुक्रिया, शुक्रिया। तुम कुछ नहीं पूछती, सुनती रहती हो बस। ये बातें इतनी रेलेवेंट हैं कि मैं कुछ पूछने नहीं, सिर्फ सुनने के लिए आती हूँ आपको। अमीन साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। माँ बाप की नेकियां बच्चों के रास्ते आसान करती हैं। बस अल्लाह करे किसी औलाद के नसीब पर माँ बाप के गुनाह का असर ना पड़े। आमीन।